आजकल लोग डाटा एंट्री के काम को बखूबी करना जानते हैं, पर वो बार बार इंटरव्यू देते समय ज़्यादातर वो इंटरव्यू में प्रॉब्लम उनको खड़ी होती है। हम आपको बताएंगे आप अपने आज के इंटरव्यू को किस तरीके से आप फास्ट, ईजी और इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि आप बिना जानकारी के अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो एक सर्वे के अनुसार लोग जानकारी होने के बाद भी 19% से ज़्यादा भी लोग फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं इंटरव्यू किस तरीके से दीजिए, क्वेश्चन हम आपको वही दिखाएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए लाते हैं वो स्क्रीन जहाँ इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं वो आपके सामने क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जिसमें यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो नोट करके लिखा हुआ है कि क्रिएट ये टेबल इन एमएस एक्सेल, यानी इस टेबल को एमएस एक्सेल में आपको बनाना है, नाम देना है यानी कैंडिडेट नेम, सीरियल नंबर यानी जिसे रोल नंबर कह सकते हो, मार्क इन फिजिक्स और मार्क यहाँ पे आपको देना है केमिस्ट्री का, और यहाँ टोटल मार्क, और उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें यहाँ आपको काउंट करनी है, कहाँ कहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, ये सब हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। अब पहले नंबर पे देखिए क्या करना है, डू द फॉलोइंग, यानी क्या करना है इसमें से, इन द टोटल मार्क कॉलम, यानी टोटल मार्क के कॉलम में एंटायर शुड बी कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला एंड इट इज ए सम ऑफ मार्क इन फिजिक्स एंड मार्क इन केमिस्ट्री, यानी करना क्या है, जो टोटल मार्क है इसमें आपको फार्मूले की मदद से केमिस्ट्री और फिजिक्स के नंबर को ऐड कर देना है। तो चलिए फटाफट हम लेके चलते हैं इसे एक्सेल शीट पे, और यहीं से कॉपी करके सीधे सीधे एक्सेल पे हमने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे पहले सवाल का जवाब, यहाँ पे फार्मूला देखिए केमिस्ट्री, थोड़ा सा मैं इसे लाइन चौड़ा कर लेता हूँ और अब यहाँ क्लियर करता हूँ। टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक सबसे सस्ता और आइडिया है, सेलेक्ट करिएगा इसे, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ ऑटो सम का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और जो वैल्यू आएगी इसे पकड़ के ड्रैग कर लेंगे तो ये सारा का सारा जो डिटेल है वो आ जाएगा। मतलब ये तरीका है, ये आपको डायरेक्ट तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना चाहते, मैनुअल फार्मूले की जरूरत आपको पड़ रही है, या आप चाहते हैं मैनुअल फार्मूला लगाएं, तो बराबर का निशान यहाँ सम टाइप करिएगा और ओपन ब्रैकेट दीजिएगा और ये दोनों नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर लीजिए। देखिए यहाँ से भी आपके रिजल्ट मिल जाएंगे और ऐसे आप ड्रैग कर लीजिएगा। तो ये तरीका है कि किस तरीके से आप इसे यहाँ पे अपने डाटा को ऐड करेंगे। चलिए अगले सवाल का जवाब यहाँ कवर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंसर्ट ए न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल, यानी एक नया रो आप लीजिए टेबल के एंड में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लेते हैं और ये हम दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड ऑल्सो द फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला, यानी यहाँ पे आपको टोटल जो है फाइंड करना है, ग्रैंड टोटल निकालना है टोटल मार्ग का। तो हम एक काम करते हैं कि इस सभी को हमें टोटल करना है तो पूरे को सेलेक्ट करके, और आपको तरीका बताया है कि ऑटो सम पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे पकड़ के नीचे की तरफ से ऐसे रो में ड्रैग कर लेंगे तो सबका टोटल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटर्ड होना चाहिए तो सेंटर कर लेंगे। और यहाँ ग्रैंड टोटल आप दिखा दीजिए, तो यहाँ ग्रैंड टोटल दे दीजिए, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ग्रैंड टोटल। अब आगे का देखिए, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा ये पतला हो रहा है तो इसे चौड़ा का, ये क्वेश्चन अभी हम रिमूव कर देंगे, बस इतने के लिए हमने रखा है कि क्या क्या चीजें करनी है ये हमें पता चल पाए। इसके बाद देखिए क्या करना, तीसरे वाले में सी में, सॉर्ट द टेबल बेस ऑन द टोटल मार्क, यानी टोटल मार्क के बेस पे इसे सॉर्टिंग करनी है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम एक काम करते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही रख लेते हैं। सॉर्ट करने का एक सस्ता तरीका और अच्छा तरीका आपको बताते हैं। रोल नंबर वाले को आप ऐसे छोड़ दीजिए, नाम से लेके और टोटल मार्क्स तक आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ध्यान दीजिए कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और एल दबाना है। अब देखिए यहाँ फिल्टर आ चुका है और फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्मॉलर टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलर, फिलहाल के लिए हम इस लार्जेस्ट टू स्मॉलर भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम चाहें तो स्मॉलर टू लार्जेस्ट कर सकते। चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने देते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये तरीका है और थोड़ी सी साइज इसकी कम लग रही है तो यहाँ से हम क्लिक करके इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए तो ये तरीका हो गया, ये सॉर्टिंग भी हो चुकी है।
अब इसके बाद देखिए, ऑल डाटा शुड बी सेंटर अलाइन, यानी पूरे जो डाटा है ना सबको सेंटर में कह रहे हैं करने के लिए। तो पूरा डाटा ये हमारा रहा, सेंटर पे एक बार क्लिक करिएगा और दोबारा क्लिक करिएगा, तो ये देखो सारे सारे जो डाटा है, पूरे के पूरे डाटा हमारे वो सेंटर में हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हेडिंग शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन, यानी जो हमारी मेन, पहले तो हम फिल्टर वाले लोगों को हटा लें, कंट्रोल शिफ्ट एल आप दबाइएगा, हटेगा, दोबारा क्लिक करिएगा तो लग जाता है, अभी चूंकि जरूरत नहीं है हमें तो इसे हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर रखा है, पर आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल बी का इस्तेमाल करिएगा। अंडरलाइन के लिए चाहिए तो यहाँ से आप यू प्रेस कर लीजिए, यहाँ से अंडरलाइन हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ हेडिंग की बात की गई है, तो हम हेडिंग को ही अंडरलाइन किए हुए हैं, बाकी चीजों को हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारे क्वेश्चन थे, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ और सभी सवालों के जवाब हमने यहाँ कंफर्म कर दिया है। कुछ नई चीजें आपको यहाँ बताने वाले हैं हम, आपको वो ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे तो टेबल को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप डिजाइन कर भी सकते हैं। इसमें जैसे हमने मार्कशीट का डिटेल दिया है, तो यहाँ सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लिया और यहाँ ऑल बॉर्डर दे के यहाँ पे मार्कशीट लिख देता हूँ, क्योंकि जो डाटा हमने बनाना था वो मार्कशीट डिटेल है, तो यहाँ दे दीजिए मार्कशीट डिटेल्स। जब आपके पास समय बच जाए तो कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यहाँ कर सकते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर को हम हल्के कलर से कलर कर लेते हैं ताकि डाटा देखने में और अच्छा लग जाए। ये जो डिटेल्स हैं हम चाहेंगे तो कलर करना है, समय बच रहा है आपके पास तो कलर कर लीजिए। थोड़ा सा अलग कलर यहाँ दे देते हैं, ये अलग कलर, जो ग्रैंड टोटल आया है इसका कलर थोड़ा सा अलग दिखाना हो। हालांकि बहुत ज्यादा गाढ़े कलर में मत रखिएगा, नहीं देखने में डाटा अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करिएगा डाटा ऐसे रखा जाए जो देखने में लुकअप उसका अच्छा आ जाए। मेन जो हेडिंग्स हमने मार्कशीट का बना रखा है, यहाँ से थोड़ा सा हेडिंग्स देखेंगे, स्मार्ट तरीके से हो गया। मेन हेडिंग्स को हम थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं, ये साइज हमने बढ़ा दिया है। कलरफुल चाहिए तो आप कलरफुल कर सकते हैं, और ये डाटा है हमारा। इस तरीके से अभी बहुत सारे हम आपको इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, तो अगर आपकी इच्छा है एक्सेल सीखने का और डाटा एंट्री का काम करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली तो नहीं कह सकते, पर रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।